Hello guys, welcome back to my channel Yummy Vibes, and today I'm going to share with you my review about this Garnier Wrinkle Lift Cream. It's an anti-aging cream. तो आज मैं इसी के बारे में अपना review share करूँगी guys. तो please video को end तक ज़रूर देखिएगा and channel को like and subscribe कर दीजिएगा. तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपना review with this product. So let's get start the video guys. So here we have this product guys, Garnier Skin Naturals Wrinkle Lift Cream, anti-aging cream. Reduces wrinkle and fine lines for visible firmer looking skin, Swiss apple cell extract and pro retinol, and dermatologically tested. So guys, ये wrinkle lift anti-aging cream है जो कि आपको झुर्रियों से protect करता है, जो आपके आँखों के नीचे wrinkles आ जाते हैं, हल्की हल्की सी lines आ जाती हैं, उससे आपको protect करती है ये cream. एंड मेरी जो मदर है वो इसे आई गेस 5 ईयर से यूज़ कर रही हैं, एंड उन्हें उनकी ये फेवरेट क्रीम है. एक तो अफोर्डेबल प्राइस में आ जाती है एंड इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है ये क्रीम. और गाइस, आप इसे आराम से परचेज़ कर सकते हो. उसका जो प्राइस है वो है 299 रुपीज़ का. अगर ऑनलाइन आप परचेज़ करते हो तो आपको डेफिनेटली डिस्काउंट मिल जाएगा किसी भी कॉस्मेटिक वेबसाइट से अगर आप परचेज़ करते हो तो. एंड इसकी जो क्वान्टिटी है वो है 40 ग्राम्स की. और अगर आप बाय करना चाहते हैं तो मैं डेफ़िनेटली इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं. इसमें 2 साइज़ आते हैं, एक 10 ग्राम का भी आता है. 10 ग्राम का आई गेस आई डोंट नो एग्जैक्ट प्राइस ऑफ दैट 10 ग्राम्स बॉटल, बट इसका जो है वो 40 ग्राम्स का है. ठीक है, तो गाइज़ ये जो क्रीम है ये बहुत अच्छी है. मेरी मदर इसे यूज़ कर रही है एंड उन्हें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिखे हैं इससे. मतलब आपकी जो फाइन लाइन्स है वो इतनी ज़्यादा नहीं दिखती हैं इससे. तो अगर आप इसे सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है मैक्सिमम लोगों का वो ये होता है कि आप कब से एंटी एजिंग क्रीम्स का यूज़ करना शुरू कर सकते हैं. तो माय आंसर इज़ कि आप 23 के बाद कभी भी एंटी एजिंग क्रीम्स का यूज़ करना शुरू कर सकते हैं. तो गाइज, मैं आपको इसे खोल कर दिखा देती हूँ कि किस तरह की पैकेजिंग होती है इस क्रीम की. तो ये इस रेड कलर की बॉटल में आता है और इसमें जो क्रीम है वो काफ़ी क्रीमी है और ये बहुत इजीली अब्सॉर्ब हो जाती है आपकी स्किन के अंदर. पहले से ही अगर शुरू कर दोगे यूज़ करना तो आपकी जो एजिंग है वो डिले हो जाएगी. ऐसा नहीं है कि आपको एजिंग रिंकल्स वगैरह कभी नहीं आएंगे, आएंगे बट डिले हो जाएंगे कुछ टाइम के लिए एंड थोड़े लेट आएंगे. ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा. तो इसलिए आप 23 के बाद यूज़ कर सकते हैं. आप चाहें तो 23 से यूज़ कर सकते हैं. सो गाइज़, ये क्रीम आपको दिख रही होगी वीडियो में. एंड गाइज़, जब भी आप इसे अपने फेस पे अप्लाई करते हो आपकी स्किन बहुत स्मूथ हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, लगता ही नहीं है कि आपने कुछ लगाया है. ये बिल्कुल स्टिकी नहीं होती आपकी स्किन पर, कुछ बिल्कुल भी चिपचिपाहट नहीं होती है इसे लगाने के बाद. बहुत इजीली अब्जॉर्ब हो जाती है आपकी स्किन में एंड एक अच्छा सा ग्लो आ जाता है, आपको दिख रहा होगा वीडियो में. जैसे आप हमेशा ये ध्यान रखें, जब भी आप एंटी एजिंग क्रीम्स का यूज़ कर रहे हैं तो आपको सनस्क्रीन का भी यूज़ करना है, बिकॉज मैक्सिमम जो आपको एजिंग होती है वो सन की वजह से ही होती है, उसकी हार्मफुल यूवी रेज की वजह से ही होती है. और अगर आप वही नहीं लगाओगे तो आपको एंटी एजिंग लगाकर भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि एंटी एजिंग का काम ही ये होता है कि वो आपको एज से प्रोटेक्ट करे. और अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगाओगे तो फिर उसका काम अधूरा हो जाता है. ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान रखें कि आप एंटी एजिंग क्रीम के साथ सनस्क्रीन भी अप्लाई करें अपने फेस पे, तभी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे. ठीक है, और जब आप नाइट क्रीम लगा रहे हैं तो सिर्फ नाइट क्रीम का यूज़ करें. एंड गाइज, अगर आपकी जो फाइन लाइन्स है वो ज़्यादा डीप हैं तो आपको तीनों चीज़ों का यूज़ करना है. तीनों चीज़ें कौन कौन सी, कि आपको नाइट क्रीम का भी यूज़ करना है, आपको डे क्रीम का भी यूज़ करना है, एंड सनस्क्रीन तो मेन है जिसे आपको डे में यूज़ करना ही करना है, वरना आपकी जो रिंकल्स है वो और ज़्यादा डीप हो सकते हैं. तो इस चीज़ पे मैं अलग से वीडियो आपको बताऊंगी कि मैं आपको सनस्क्रीन लगाने के लिए क्यों बोलती हूँ, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा. बट अभी के लिए मैं ये आपको बता रही हूँ कि आपको सनस्क्रीन मेन है जो आपको हमेशा लगाना ही लगाना है. नाइट में नहीं लगाना, सिर्फ डे में लगाना है, सूरज की किरणों से बचने के लिए. ठीक है,
ये था इस प्रोडक्ट का रिव्यू। आई होप आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड एंजॉय लाइफ गाइस। बाय।